うん。<music> हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल आज के इस एजुकेशनल वीडियो में मैं आपको डीवी क्लास फाइव साइंस के चैप्टर नंबर नाइन फ्यूल्स का एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर पे वीडियो अपलोड है यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा तो उन वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा तो चलिए स... शुरू करते हैं वैन वी रन अराउंड फोर ए वाइल वी फील टायर्ड आफ्टर सम टाइम जब हम लोग कुछ देर के लिए इधर उधर भागते हैं तो हम लोग थकावट महसूस करते हैं इन फैक्ट वैन एवर वी डू एनी वर्क इन्वॉल्विंग फिजिकल एक्टिविटी वी फील टायर्ड आफ्टर सम टाइम उसी तरह कोई भी काम जिसमें फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व हम लोग करते हैं तो हम लोग अपने आप को कुछ देर बाद थका हुआ महसूस करते हैं वाई इज दिस सो ऐसा क्यों होता है दिस इज बिकॉज व्हेन वी डू सम वर्क वी यूज अप अ पार्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन आवर बॉडी ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम किसी काम को करते हैं तो अपने बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी का एक पार्ट यूज कर लेते हैं वेयर डू वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम तो ये एनर्जी हम लोगों को कहाँ से मिलता है वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट ये एनर्जी हम लोगों को हम लोगों के भोजन से मिलता है जिसे हम लोग खाते हैं इस सब्सटांस डेट प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग इज कॉल्ड अ फ्यूल ऐसा सब्सटांस जो जलने पे एनर्जी प्रोड्यूस करे बर्न होने पे एनर्जी प्रोड्यूस करे फ्यूल कहलाते हैं हैंस फूड कैन बी थॉट ऑफ एज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी तो उसी तरह जब हम लोग भोजन को खाते हैं तो हम लोगों को एनर्जी मिलती है ऊर्जा मिलती है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो फूड भी है हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ फ्यूल्स फ्यूल्स आर अवेलेबल इन सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स फ्यूल्स के क्या टाइप्स है फ्यूल्स जो है सॉलिड लिक्विड और गैसियस फॉर्म्स में अवेलेबल है वुड कोल कोक एंड काउडंग एग्जाम्पल्स ऑफ सॉलिड फ्यूल्स. वुड लकड़ी कोल कोयला कोक कोलतार केक्स मतलब गोल्ठा जिससे हम लोग उपला भी कहते हैं ये सब जो है सॉलिड फ्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. उसी तरह केरोसिन पेट्रोल एंड डीजल आर एग्जाम्पल्स ऑफ लिक्विड फ्यूल्स पेट्रोल डीजल और कैरोसिन जो है लिक्विड फ्यूल्स के एग्जांपल्स हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी पी नेचुरल गैस सीएनजी एन पाइपड नेचुरल गैस पीएनजी एन जी एंड बायोगैस आर एग्जांपल्स ऑफ गैसियस फ्यूल्स उसी तरह एलपीजी सीएनजी पीएनजी सी एन जी जो और बायोगैस जो है गैसियस फ्यूल्स के एग्जाम्पल्स है देखिए फिगर्स में स्टूडेंट दिए हुए हैं बर्निंग वुड सॉलिड की एग्जाम्पल हो गए सोलिड फ्यूल्स के पेट्रोल बिंग फिल्ड इन अ कार जो पेट्रोल कार में फिल्ड हो रहे हैं वो लिक्विड फ्यूल्स है एलपीजी सिलेंडर जिसे हम लोग अपने घर में यूज करते हैं वो गैसियस फ्यूल्स है अब हम लोग देखते हैं कि इस फ्यूल्स का क्या यूज है यूजेज ऑफ फ्यूल्स वी नो वी नाव नो डैट फ्यूल्स प्रोड्यूस एनर्जी ऑन बर्निंग अब हम लोग ये जान गए कि फ्यूल्स जो है जलने पर बर्न होने पर एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी परपजेज एनर्जी बहुत से परपजेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं जरूरी होते हैं वी नीड एनर्जी फॉर कुकिंग फॉर मूवमेंट ऑफ ट्रेन ऑटोमोबाइल्स एंड एरोप्लेन्स फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी फॉर रनिंग वेरियस मशीन्स एंड शो ऑन हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत जो है खाना बनाने के लिए मतलब कुकिंग करने के लिए ट्रेन के मूवमेंट्स के लिए ऑटोमोबाइल्स और एरोप्लेन्स के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और वेरियस मशीन्स को रन करने के लिए ज़रूरत होती है और भी कामों के लिए हम लोगों को एनर्जी की ज़रूरत होती है फॉर गेटिंग एनर्जी वी यूज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स इन डिफरेंट सिचुएसन्स तो एनर्जी को लेने के लिए एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स के फ्यूल्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट सिचुए इसेंस में अब हम लोग आगे देखते हैं डोमेस्टिक फ्यूल्स अब हम लोग देखते हैं डोमेस्टिक फ्यूल्स क्या होता है इन द अर्ली एजेस मैन डिस्कवर्ड फायर एंड लर्नड कुकिंग अर्ली एजेस में क्या हुआ मैन जो है फायर को डिस्कवर किए और खाना बनाना सीखे एट दैट टाइम इट वाज वुड दैट वाज मेनली यूज्ड एज द फ्यूल उस टाइम पे जो है वुड जो है मेनली यूज होने वाला फ्यूल था ईंधन था लेटर काऊ डंग कोल एंड किरोशिन ऑल्सो स्टार्टेड गेटिंग यूज एज डोमेस्टिक फ्यूज बाद में केक्स उपला कोल कोयला और किरोसिन जो है स्टार्ट हुआ डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में यूज होना दीज फ्यूल्स आर यूज इवन नाउ इन सम हाउस होल्ड्स कुछ जगहों पर जो अभी भी है केक्स कोल और कैरोसिन का यूज किया जाता है डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में इट इज़ गैसियस फ्यूल्स लाइक एल पी जी पी एन जी एंड बायोगैस डेट आर नाउ कॉमनली यूज एज डोमेस्टिक फ्यूल्स उसी तरह अब आज के डेट में बहुत से गैसियस फ्यूल्स जैसे सी एन जी एल पी जी पी एन जी यूज़ हो रहे हैं डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में और बायोगैस भी यूज़ हो रहे हैं डोमेस्टिक फ्यूल्स के रूप में दीज आर क्लीनर फ्यूल्स एज दे डू नॉट प्रोड्यूस स्मोक ऑन बर्निंग एंड डू नॉट लीव एनी एज आफ्टर बर्निंग ये सब जो है एल पी जी सी एन जी बायोगैस ये सब जो है क्लीनर फ्यूल्स है क्योंकि ये जलने पर बर्न होने पर स्मोक को प्रोड्यूस नहीं करते और ना ही जल जलने पर ऐस को प्रोड्यूस करते मतलब किसी राख को प्रोड्यूस करते जैसे स्टूडेंट्स आप लोग देखते होंगे जब कभी लकड़ी जलता है तो लकड़ी के जलने पर राख बचता है उसे हम लोग ऐस कहते हैं तो एलपीजी सीएनजी और बायोगैस के यूज करने पर हम लोगों को कोई भी स्मोक बर्न होता है तो कोई भी स्मोक हम लोग प्रोड्यूस होते नहीं देखते हैं ना ही कुछ ऐस देखते हैं तो ये सब क्या होते हैं क्लीनर फ्यूल्स होते हैं दीज दीज क्लीनर फ्यूल्स आर कन्वीनियन टू यूज़ एंड मोर इफिशियंट ये क्लीनर फ्यूल्स जो है यूज़ में भी कन्वीनियंट होते मतलब आसानी से यूज़ हम लोग इसे कर सकते हैं मोर इफिशियंट होते हैं दे आर ऑल्सो मोर इको फ्रेंडली ये इको फ्रेंडली भी होते हैं क्योंकि जब ये इन्वायरमेंट में स्मोक को प्रोड्यूस करेंगे नहीं और किसी ऐस को बर्न होने के बाद प्रोड्यूस करेंगे नहीं तो ये क्या होंगे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे इन्वायरमेंट के लिए इको फ्रेंडली होंगे अब फ्यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ट्रेन वर अर्लियर रन विद द हेल्प ऑफ स्टीम इंजन्स पहले के समय में ट्रेन जो है स्टीम इंजन के हेल्प से रन करते थे चलते थे इन दिस इंजन स्टीम वाज प्रोड्यूस बाय बर्निंग कोल इंजन्स में क्या होता था कोल को बर्न करके स्टीम को प्रोड्यूस किया जाता था ना वेज ट्रेन इंजन यूज आइदर इलेक्ट्रिसिटी और डीजल आज के समय में ट्रेन की जो इंजनस होते हैं वो या तो इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं या डीजल को यूज़ करते हैं देखिए श्रेन स्टीम इंजन का फिगर आप लोगों को दिख रहा है व्हीकल्स लाइक बसेस कार्कूटर्स रन ऑन पेट्रोल और डीजल स्कूटर्स कार और बसेस जो है वो पेट्रोल और डीजल के थ्रू रन करते थे एरोप्लेन्स कॉमनली यूज आ हाईली रिफाइंड कैरोसिन बेस्ड फ्यूल नोन एज एविएशन ट्यूरबाइन फ्यूल ए टी एफ एरोप्लेन में जो हाईली रिफाइंड कैरोसिन फ्यूल यूज़ किया जाता था जिसका नाम है एविएशन ट्यूरबाइन फ्यूल इसका शॉर्ट फॉर्म है ए टी एफ बसेज ऑटो रिक्शाज एंड कार्स नाउ प्रेफर टू यू सी एन जी एस दी फ्यूल आज के समय में जो बसीज़ कार्स ऑटो रिक्सा है, वो सी एन जी को अपने फ्यूल के रूप में यूज करते हैं दिस इज बिकॉज सी एन जी पावर्ड वहीकल्स हैव लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट एंड बेटर इफ़िशेंसी सी एन जी से क्या होता है जो वहीकल्स का मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लोअर हो जाता है और बेटर इफ़िशियंसी मिलता है ऑल्सो सी एन जी इज़ अ बेटर ग्रीन फ्यूल सी एन जी भी जो है बेटर ग्रीन फ्यूल है इट काउज लेस एयर पॉल्यूशन इज मोर इको फ्रेंडली एंड काउज इज लेस हार्मू द हेल्थ ऑफ ह्यूम एंड एनिमल्स सी एन जी जो है लेस एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं ज़्यादा इको फ्रेंडली है और ह्यूमस और एनिमल्स की हेल्थ को कम हार्म करते हैं कम नुकसान पहुंचाते हैं अब हम लोग देखते हैं फ्यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउसेज ऑफन बर्न कोल टू कन्वर्ट वाटर इन टू स्टीम पावर हाउसेज कोल को बर्न करके वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करते हैं दिस स्टीम एनर्जी इज यूज टू ऑपरेट ट्यूरबाइंस विच इज टर्न हेल्प टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी ये स्टीम एनर्जी जो है ट्यूरबाइंस को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है दिस मैथड ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट इको फ्रेंडली ये जो मैथड है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का ये इको फ्रेंडली नहीं है उसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए डू यू नो इलेक्ट्रिसिटी इज नाउ बींग प्रोड्यूस्ड बाई यूजिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन वाटर एंड ऑल्सो बाई यूजिंग विंड एनर्जी एंड एनर्जी ऑफ द सन आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी जो है वाटर में स्टोर एनर्जी का यूज़ करके किया जाता है विंड एनर्जी के यूज़ से किया जाता है और सन में जो एनर्जी है उसे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है ये जो मेथड है ये बहुत ही ज़्यादा इको फ्रेंडली है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फ्यूल्स एंड मशीन्स अर्लियर हाउस होल्ड लाइक वाशिंग क्लोथ्स वाशिंग यूटेंसिल्स वीविंग स्पिनिंग सेपरेटिंग कॉटन फ्रॉम सीड्स एंड सो ऑन वर डन मैनुअली अर्लियर टाइम्स में हाउस होल्ड वर्क जैसे क्लोथ्स को वाश करना यूटेंसिल्स वाश करना वीविंग स्पिनिंग करना सीड्स से कॉटन को सेपरेट करना ये सब काम जो है मैनुअली किया जाता था मतलब हाथ से किया जाता था दिस वॉज टाइम कंज्यूमिंग स्लो एंड टायरिंग इसमें क्या है ज़्यादा टाइम लगता था ये प्रोसेस जो था स्लो प्रोसेस था और ठका देने वाला था हैंड ऑपरेटेड मशीन्स वर देन डेवलप्ड फिर हैंड ऑपरेटेड मशीन्स हाथ से चलने वाली मशीन्स का इन्वेंट किया गया टू हेल्प अस टू दीज जॉब्स फास्टर एंड इन अ लेसर टायरिंग मैनर जो हैंड ऑपरेटेड मशीन को डेवलप किया गया तो इससे क्या हुआ कि जॉब्स जो है फास्टर होने लगे जल्दी होने लगे कम थक आने वाले होने लगे लेटर और मशीन्स वर्किंग थ्रू स्टीम जनरेटेड बाय बर्निंग कोल वर इन्वेंटेड बाद में क्या हुआ ऐसे मशीन्स को डेवलप किया गया जो स्टीम से चलते थे तो स्टीम को प्रोड्यूस किया कैसे जाता था तो कोल को बर्न करके दिस रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द डिमांड फॉर कोल तो इससे क्या हुआ कि कोल का जो डिमांड है वो बढ़ गया रेलवे शिप्स पावर हाउसेज एंड फैक्ट्रीज रिक्वायर्ड लार्ज क्वान्टिटी लार्ज सप्लाईज ऑफ कोल रेलवे सीव्स पावर हाउस और फैक्ट्रीज को लार्ज सप्लाई ऑफ कोल की जरूरत पड़ने लगी द रिजर्व ऑफ कोल इन नेचर स्टार्टेड डिप्लीटिंग रेपिडली डिप्लीटिंग का मतलब होता है कम होना तो so, नेचर में अवेलेबल कोल थे रिजर्व कोल थी उनका मात्रा जो है बहुत जल्दी जल्दी खत्म होने लगा कोल कैन नॉट बी रिप्लेनिस्ड इजली एज नेचर टेक्स अ वेरी लॉन्ग टाइम टू मेक इट कोल तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता था क्योंकि एक नेचुरल प्रोसेस था इसे बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता था लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग था टू मीट दीज चैलेंजे स्टीम इंजन वर ग्रेजुअली रिप्लेस बाई अदर इंजन विच यूज लिक्विड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड डीजल इस चैलेंज को मीट करने के लिए स्टीम इंजन के जगह पे दूसरे इंजन यूज किए जाने लगे और ऐसे इंजन यूज किए जाने लगे जिसमें लिक्विड फ्यूल्स जैसे पेट्रोल एंड डीजल यूज होते थे पेट्रोल डीजल एंड कैरोसिन और ऑल ऑप्टेंड बाई रिफाइनिंग क्रूड ऑयल पेट्रोलियम पेट्रोलियम को रिफाइंड करके पेट्रोल डीजल एंड कैरोशियन को ऑपटेन किया जाता था हाउ एवर पेट्रोलियम रिजर्व इन नेचर आर ऑल्सो लिमिटेड पेट्रोलियम भी जो था नेचर में वो भी एक लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल था एंड कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड ईजली और इसे भी तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता था क्योंकि कोल और पेट्रोलियम दोनों का जो प्रोसेस है बनने का ये एक नेचुरल प्रोसेस है इसे नेचर के द्वारा तैयार किया जाता है फॉसिल फ्यूल्स बोथ कोल एंड पेट्रोलियम आर फॉसिल फ्यूल्स कोल और पेट्रोलियम दोनों क्या है फॉसिल फ्यूल्स है फॉसिल फ्यूल्स आर फ्यूल्स डेट आर फॉर्म बाई डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट मैटर फॉसिल फ्यूल्स ऐसे फ्यूल्स है जो एनिमल और प्लांट के डेड मटेरियल से बने हैं ब्यूरिड डीप अंडर द सर्फेस ऑफ द अर्थ एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रिवेलिंग दियर। क्या हुआ कि जो प्लांट और एनिमल का डेड मटेरियल है वो अर्थ सर्फेस के अंदर डीप ब्यूरिड हो गया मतलब वो दब गए और वहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण वो फॉसिल फ्यूल में चेंज हो गए सच डीप ब्यूरिड एनिमल एंड प्लांट मैटर गॉड पीरियड ऑफ मिलियन ऑफ इयर्स जो दबे हुए एनिमल और प्लांट के मेटेरियल थे डैड मटेरियल थे वो फॉसिल फ्यूज में चेंज हो गए मिलियन ऑफ इयर्स लगाने चेंज होने में इस फॉसिल फ्यूज फौस, दे आर आर थ्री मैन फॉसिल फ्यूज फौस। कोल क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस थ्री जो है मेन फॉसिल फ्यूल्स है कोल पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कोल इज अ कम्बस्ट्रियल ब्लैक सेंडिमेंट्री रॉक कोल जो है कम्बस्ट्रियल ब्लैक सेंडिमेंट्री रॉक है इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कोल का जो यूज है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम दिस वॉज फॉर्मड फ्राम डेड सी क्रिएचर्स पेट्रोलियम जो है डेड सी क्रिएचर्स से फॉर्म होते हैं मतलब सी में जो क्रिएचर्स uh, रहते हैं जब वो डेड कर जाते हैं, तो पेट्रोलियम तैयार होता है दिस डेड सी क्रिएचर्स फेल टू द बीट वेयर देयर बॉडीज अंडरवेंट केमिकल चेंजेस ड्यू टू बैक्टीरिया डेड सी क्रिएचर्स के जो बॉडी है बैक्टीरिया के कारण फ्यूल के रूप में चेंज हो जाते हैं अब हम लोग देखते हैं नेचुरल गैस दिस वॉज फॉर्मड मच द सेम वे एज़ क्रूड ऑयल जिस तरह क्रूड ऑयल को तैयार किया जाता है सेम उसी प्रोसेस के थ्रू नेचुरल गैस तैयार होता है इट इज़ ऑफेंड कलेक्टेड वैन ड्रिलिंग फ्लोर ऑयल जब ऑयल को निकाला जाता है उसी समय नेचुरल गैस को कलेक्ट कर लिया जाता है अब हम लोग देखते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी सोर्सेज ऑफ़ एनर्जी विच वंस यूज कैन नॉट बी रेडली रिप्लेनिज आर कोल नन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी जिससे हम लोग अगर एक बार यूज कर लेते तो फिर इसे तुरंत तैयार नहीं किया जा सकता नन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहलाते कोल एंड पेट्रोलियम आर टू ऑफ द नन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कोल और पेट्रोलियम जो है नन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि हम लोग पढ़ें कि कोल और पेट्रोलियम को बनने में कितने लंबे समय की जरूरत होती है देयर आर आर हाउ एवर एनर्जी विच आर फ्रीली अवेलेबल एंड विच कैन बी रेडली रिप्लेनिस्ड और ऐसे भी एनर्जी सोर्सेज ऑफ एनर्जी अवेलेबल है जो तुरंत तैयार किए जा सकते हैं दे आर कॉल रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उससे हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं सोलर एनर्जी टाइडल एनर्जी विंड एंड बायो मास आर एग्जाम्पल्स ऑफ रिन्यबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी सोलर एनर्जी टाइडल एनर्जी और विंड एंड एनर्जी जो है रिन्यबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के एग्जाम्पल्स है देखिए स्टूडेंट्स यहाँ सोलर वाटर हीटर और विंड एनर्जी का फिगर दिया हुआ है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाई यूजिंग द एनर्जी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाटर के एनर्जी को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता इसे है इससे हम लोग कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी लुकिंग फॉर अल्टरनेटिस्ल फ्यूज फॉर्सिल फ्यूज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वान्टिटी फॉर्सिल फ्यूज जो है लिमिटेड क्वान्टिटी में अवेलेबल है एंड आर नॉट लाइकली टू लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम और ये ज़्यादा दिन तक रहने वाली भी नहीं है दे आर ऑल्सो अ मेजर काउज ऑफ इन्वायॉयरमेंटल पॉल्यूशन फॉसिल फ्यूज जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी काउज करते हैं वी शूड दियरफुल यूज़ दैम विथ केयर इसे हम लोगों को केयरफुल्ली यूज़ करना चाहिए जितना ज़रूरत हो हम लोगों को उसे उतना यूज करना चाहिए वी शुड अवॉइड देयर वेस्टेज एंड टेक सुटेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज देअर यूज़ इसकी वेस्टेज को हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए और इसके यूज़ को मिनिमाइज करना चाहिए इफर्ट्स आर नाउट बींग मेड टू डेवलप वहीकल्स विच कैन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी आज ऐसे भी प्रयास किए जा रहे हैं कि ऐसे वहीकल्स का आ, को डेवलप किया जाए जो इलेक्ट्रिसिटी से रन करे अदर अल्टरनेटिव फ्यूल्स आर ऑल्सो बिंग ट्राइड अदर अल्टरनेटिव फ्यूल्स के लिए भी ट्राई किया जा रहा है वी शूड ऑल्सो मेक सुटेबल इफर्ट्स टू कंजर्व फ्यूल्स एज एंड वी कैन हम लोगों को सुटेबल इफर्ट्स यूज़ करना चाहिए फ्यूल को बचाने के लिए फॉर एग्जाम्पल इट इज़ बेटर फॉर अस टू साइकिल और वॉक टू अयर बाई प्लेज इंस्ट्यूट ऑफ गोइंग ऑन ए कार और मोटर बाइक हम लोगों को अगर आस पास कहीं जाना है तो हम लोगों को कार और मोटर बाइक की जगह साइकिल से चले जाना चाहिए या फिर वाक करके इट इज़ ऑल्सो डिजरेबल टू फॉर्म कार पोस्ट एंड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड मेट्रो ट्रेन फ्रॉम ट्रेवलिंग विद इन द सिटी हम लोगों को अगर सिटी में ही ट्रैवल करना है तो कार की जगह पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस और मेट्रो ट्रेन का यूज करना चाहिए दिस विल नॉट ओनली सेफ फ्यूल एंड मनी ये जो है सिर्फ फ्यूल एंड मनी को सेव नहीं करेंगे बट विल ऑल्सो रिड्यूज़ इन्वामेंटल पॉल्यूशन इन्वामेंटल पॉल्यूशन को भी रिड्यूज करेंगे वी ऑल नीड टू टेक एडिक्वेट स्टेप टू फेस द चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम्स पोस्ड बाय द फ्यूल क्राइसिस एंड इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हम लोगों को एडिक्वेट स्टेप्स को लेना चाहिए इस तरह के चैलेंजर और प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए क्योंकि जो फ्यूल्स है इसका क्राइसिस आगे होने वाले समय में होने वाला है क्योंकि फ्यूल्स जो है जल्दी तैयार होंगे नहीं लेकिन इसका जो खपत है बहुत ज़्यादा है और ये इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को भी बढ़ाते हैं फ्रेंड्स इसी के साथ हम लोगों का एक्सप्लेनेशन वीडियो कंप्लीट हो गया यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और पे प्रेस कर लीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोज़ लाती रहती हूँ स्टूडेंट्स यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग